साई की बात। बच्चे, जो ये बुरा समय है ना मेरे बच्चे, तुम जल्द ही इससे बाहर निकल जाओगे। मैं हूँ ना, मैं तुम्हें वहाँ से बाहर निकाल दूंगा मेरे बच्चे। क्यों चिंता करते हो तुम? और कुछ मेरे बच्चों का कहना है, वो जिस माहौल में रह रहे हैं ना, वो माहौल उनके लिए अच्छा नहीं है। चारों तरफ उनके लिए नकारात्मकता होती है, कोई उन्हें पसंद नहीं करता। उन्हें वो जिंदगी काटने को दौड़ती है, पल पल उन्हें चुभता है। तो मेरे बच्चे सुनो, कुछ ही दिनों के बाद, बस कुछ दिन और कुछ महीने रुक जाओ, फिर उसके बाद तुम्हारी जिंदगी बहुत खूबसूरत होगी मेरे बच्चे, बहुत खूबसूरत। बस पारायण करना मत छोड़ना, मेरा हाथ मत छोड़ना। मैं तुम्हारी जिंदगी को अलग रखूंगा और उन सबको तुमसे बहुत दूर कर दूंगा। तुम्हारा परिवार और तुम साथ रहोगे, क्योंकि तुम जिससे प्यार करते हो ना, वही तुम्हारे साथ होगा, देखना। और वो तुम्हारी इज्जत भी करेगा, और जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते ना, उन्हें मैं तुमसे बहुत दूर कर दूंगा, और इस काय क्लेश वाली जिंदगी से ना बहुत दूर कर दूंगा मेरे बच्चे। तुम्हारी जिंदगी को इन सब चीज़ों से दूर कर दूंगा। और सुनो मेरे बच्चे, जो हालात है ना मेरे बच्चे, कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि तुम बहुत मजबूर हो जाते हो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। कभी कभी अपनों के सामने, कभी कभी परायों के सामने, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, ये सब मैं जानता हूँ। और तुम अंदर ही अंदर उस घूंट को पी जाते हो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारे अंदर का दर्द है ना, ये तुम्हारा साईं देख सकता है, कोई नहीं देखता। तुम किसी से कह भी नहीं पाते, क्योंकि मैं जानता हूँ, बस मुझसे कह दिया करो। जब तुमने मुझसे कह दिया है ना, तो बस मेरे बच्चे मैं सब संभाल लूँगा। और सुनो, जिसने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है ना, वो भी कभी सुखी नहीं रह पाएगा, वो हमेशा बेचैन ही रहेगा, तुम देखना मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, ये मन है मेरे बच्चे, इसमें बुरे ख्याल भी आते हैं, नकारात्मकता भी आती है, डर भी आता है, और बहुत कुछ खोने का, पाने का, बहुत सारे डर होते हैं, हारने का भी। तो मेरे बच्चे तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे मन में कैसा भी डर हो, कुछ भी हो ना, तो बस मुझसे कह दिया करो, मुझे आकर बता दिया करो कि साईं ऐसा है, और बाकी मैं तो हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम्हारे मन में ये दुविधा क्यों है, ये डर क्यों है, ये घबराहट क्यों है, जब तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है, मैं हूँ ना मेरे बच्चे। और सुनो, अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, उन्होंने मुझसे इच्छा प्रकट की थी कि साईं मुझे इस वस्त्र में आपको देखना है, इस वस्त्र में मुझे दर्शन दो, तो दे दिए ना मेरे बच्चे, तुमने कहा और मैंने दे दिए, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई ना। और सुनो मेरे बच्चे, जो भी फैसला लेते हो वो सोच समझ कर लिया करो, यूँ जल्दबाजी में गुस्से में आकर कभी मत लेना मेरे बच्चे, कभी मत लेना। और सुनो, जो तुम सब में प्यार बांटते हो, सब में खुशियाँ बांटते हो ना मेरे बच्चे, तो तुम चिंता मत करो, तुम जितनी खुशियाँ बांटते हो ना, तुम्हारी झोली में उतनी ही खुशियों से भर दूंगा, उतने ही प्यार से भर दूंगा, तुम देखना मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जब तुम अपने घर का राशन लेने जाते हो ना मेरे बच्चे, तो एक बार घर पर देख लिया करो कि तुम्हारे घर पर किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो पहले से ही होती है, जो खराब हो रही होती है, और जाने अनजाने वो कीटाणु खाते हैं, और वो हमेशा पुण्य का कारण बन जाता है तुम्हारे। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पैसों की बर्बादी ना हो, और इसलिए जाने से पहले एक बार देख लिया करो। और सुनो, कोशिश करो कि जो सच तुम्हारे सामने आया है ना, उसे तुम अपना पाओ, स्वीकार कर सको, क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं मेरे बच्चे जो कड़वे होते हैं, लेकिन उन्हें सहन करना होता है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें सच से अवगत कराना तुम्हारे साईं का काम है। मैं कभी भी तुम्हें झूठ में नहीं रखना चाहता, कभी नहीं चाहता कि तुम किसी झूठ में जियो, मैं चाहता हूँ कि तुम सच देखकर, आंखें खोलकर देखो, और जो तुम्हारे सामने है उस पर चलो, उसे स्वीकार करो मेरे बच्चे। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है, खुश रहो, बहुत सारा आशीर्वाद है मेरा, बहुत सारा, खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।